अगली खबर में बात करते हैं शिवपुरी की, जहां पोहरी स्थित आईटीआई परिसर में छात्रों का घास काटते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आईटीआई प्रबंधन का कहना है कि छात्र अपनी मर्जी से घास काट रहे थे। जानकारी के अनुसार पोहरी नगर में शासकीय आईटीआई कॉलेज है, जहां तहसील क्षेत्र के ग्रामीण बच्चे व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, लेकिन इस आईटीआई कॉलेज में छात्रों से साफ सफाई का कार्य कराया जा रहा है। बताया गया है कि जब आईटीआई के छात्रों से प्रबंधन के द्वारा कॉलेज परिसर में खड़ी हुई घास को कटवाया जा रहा था, इसी दौरान इसका वीडियो किसी छात्र के द्वारा बना लिया और वीडियो को वायरल कर दिया गया। इसके बाद अब कई लोगों के द्वारा इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। लोग वायरल वीडियो पर तंज कसते हुए आईटीआई कॉलेज प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। आईटीआई पोहरी के कई छात्रों ने अपना नाम न छपवाने की बात पर आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल पर आरोप लगाते हुए बताया कि वह लगातार खेल के मैदान को साफ कराने की मांग कर रहे थे, परंतु प्रिंसिपल के द्वारा सभी छात्रों को ग्राउंड की घास काटने के काम पर लगा दिया गया, जबकि ग्राउंड में खड़ी बड़ी घास में जहरीले सांप और अन्य जीव जंतु देखे जा चुके हैं। इसके बाद जो उन्हें घास काटने के काम पर लगा दिया गया है, इस मामले में आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल अंशुल गुप्ता का कहना है कि उन्होंने किसी छात्र को घास काटने के लिए नहीं बोला है, वह खुद ही एकजुट होकर घास काट रहे थे, जिनमें से किसी छात्र ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। नहीं, बच्चों वीडियो काटते हुए हमने तो उनको रोका है कि आज घास क्यों काट रहे हो, तो हमने कहा कि हमको गेम खेलना है, उससे क्यों काटा। उनका आप पर लगातार आरोप है कि आपने पहले भी ऐसे किया और उसको भी अभी भी घास कटवा रहे हैं बच्चों से, उनका आरोप है। कई बच्चों से घास नहीं कटवाई, उनका खुद बोला है बच्चों ने, वीडियो भी वायरल हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बच्चों से कभी घास कटवाने को बोला ही नहीं। हमारा चपरासी स्वीपर है, उसी से वो ही बोला, वो ही काटता है दिन भर। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।